नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए 36 सीटों में से 26 सीटों पर मतदान जारी है, बाकी 9 सीटों पर सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी विधान परिषद चुनाव जीतकर विधान परिषद में भी सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिशों में जुटी है। अमेठी में भी वोट पड़ रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनगर निगम में अपना वोट डाला और मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ी जीत का दावा किया है। सुबह 8 बजे से इन सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। वहीं यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। आज सुबह 8 बजे से ही चुनाव चल रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं या फिर सकुशल मतदान कर रहे हैं या फिर वापस जा रहे हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और सिविल फोर्स दोनों लगाई गई है। जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ भी लगाया गया है और बाहर भी लगाया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सकुशल मतदान चल रहा है। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा अमोठा और केशवपुरा में 70 से 80 परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मामले में ग्रामीण कई बार जल संसाधन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दरअसल ग्राम सभा मोठा और केशवपुरा में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पेयजल लाइन खींची गई थी, जिसमें टैंक के जरिए पानी इकट्ठा कर लोगों के घरों में पानी भेजा जाता था। मगर बरसात के कारण पानी का टैंक फूट गया, जिससे गांव में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। ग्रामीण ठेकेदार पर घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगा रहे हैं। तो लगभग एक हफ्ता हो गया सर, एक हफ्ते से लोग यहाँ, हम प्रधान जी और देख ही रहे हो आप, सबके साथ परेशान हो रखे हैं। और वो ठेकेदार जी को हम 2-3 बार फोन भी कर चुके हैं, पर इस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। और साथ ही में हम ये आप देख ही रहे होंगे कि कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर टंकी में जा रहे हैं, तो हफ्ते भर से लोग परेशान हो रखे हैं। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि काम स्वयं आए, काम करे। हम यही चाहते हैं कि काम हो, सबका सबके लिए सबके हित में काम हो, पर उन्होंने देख के तो लग नहीं रहा कि वो काम करेंगे ऐसा, क्योंकि हम एक हफ्ते से उनको फोन कर करके परेशान हो चुके हैं। ना वो आ रहे हैं, वो कल परसों कर करके टाल रहे हैं ऐसा काम। कौन? ठेकेदार साहब। क्या चाहते हो आप? ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई हो। और जैसे कि लोग परेशान हो रखे हैं, उनको भी परेशानियों का जरा सामना करना पड़े, तब जाके उनको पता लगे कि ये सब क्या लोग कैसे परेशान हो रखे हैं। प्रधान ने जो काम किया है बिल्कुल बेकार काम कर रखा है। वहाँ पे BFG टंकी नहीं बनी है, BFG उन्होंने बनाई है, वो नदी आते हुए पूरी बह गई है, ठीक है। और घर घर योजना दे रखी है उन्होंने, तो कोई पानी नहीं आ रहा हमें, कोई मतलब वो नहीं मिल रहा है, पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बेमतलब का हमारे लिए ड्रामा हो रखा है। हम कई दिनों से यहाँ पे हफ्ते भर से पानी के लिए परेशान हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा कटुली का प्रधानपति हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्राम सभा की लाइन दूसरी ग्राम सभा में क्यों दी गई है। सबसे पहले मुख्य कारण मेरा ये है कि उस ठेकेदार ने मिलके दूसरी ग्राम सभा में क्यों इस लाइन को वो किया है, किसी के दबाव में किया है, क्या किया है। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। मैं सरकार से और अपने उससे मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि इस पानी पे विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। सीएम ने कहा कि सरकार की पहली कैबिनेट में इस पर मुहर लग चुकी है और कैबिनेट नोट भी तैयार हो चुका है। जल्द ही कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और कमेटी के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसी के अनुरूप प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड तत्काल लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी मंत्रिमंडल की पहली जो बैठक हुई है, उस बैठक में हम लोगों ने पूरी तरह से सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। उसका जल्दी ही ड्राफ्ट बन जाएगा। अभी कैबिनेट नोट हमारा बन गया है और कमेटी का गठन होते ही ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी और ड्राफ्ट तैयार होते ही लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक सर्वाधिक प्रॉफिट में रहे हैं। धन सिंह रावत ने कहा कि 3 दिन पहले देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाकर बधाई दी। सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक इन 20 सालों के इतिहास में सर्वाधिक प्रॉफिट में इस बार, और भारत के सहकारिता मंत्री और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने मुझे 3 दिन पहले बुला के शाबाशी दी कि पहली बार जो है उत्तराखंड के सारे बैंक प्रॉफिट में आए हैं, पारदर्शी जो है काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है। दूसरा, मैंने अपने कार्यकाल में जो क्लेरिकल के पद थे,
जो है क्लेरिकल से ऊपर के पद थे। पहली बार जो भारत की सर्वोच्च संस्था है जो बैंकिंग के पेपर कराती है IBPS, उससे पेपर कराए और बहुत अच्छे विद्यार्थी सिलेक्शन होकर हमारे बैंकों में आज वो काम कर रहे हैं। लक्सर में चोरी का मामला सामने आया, जहां सचिन कुमार पर चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल इसमें सचिन जमानत पर चल रहा था, वहीं पिछली तारीख पर गैर हाजिर रहने की वजह से न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी किए थे। सचिन जो कि ओम प्रकाश निवासी केशव नगर लक्सर अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में पेश हुआ, जहां न्यायालय ने सचिन की जमानत कैंसिल करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया। इसी दौरान सचिन पुलिस अभिरक्षा से छल से कूद कर फरार हो गया था। ये एक मुलजिम ने यहाँ पर सरेंडर किया था, तो अचानक ही वो यहाँ कस्टडी से भाग गया था, जिसे पुलिसकर्मियों ने इस युवक की मदद से इसको पकड़ लिया है। सर ये भाग रहे थे इसके पीछे, तो इनकी कोई सहायता नहीं कर रहा था, फिर दीवार को उससे ही भाग गई। फिर मैंने बोला कि मेरा गोली वाली मत मार दियो, जैसे कि बोल रहे थे गोली मार देंगे, तो फिर इन्हें मैंने भाग कर पकड़ा। एक में जैसे लुभक गए थे, फिर मैं भी एक घुस गया, अपने जान का ना वो परवाह करते हैं। एसटीएफ लखनऊ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को पकड़ा है। बता दें कि तस्कर उड़ीसा से ट्रक लेकर राजस्थान जा रहे थे, वहीं पुलिस इन तस्करों के पास से 40 कट्ठों में करीब 1200 किलो गांजा बरामद किया है। आगरा के शागंज थाना क्षेत्र के केनरा बैंक में शातिरों ने सरकारी कर्मचारी को निशाना बनाकर ATM से 80,000 रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। वहीं शातिरों का कारनामा CCTV कैमरे में कैद हो गया। बाराबंकी में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया, वहीं मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ता के अफसरों ने संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। अगर आप भी किसी नेटवर्किंग कंपनी से जुड़े हैं और इसमें मेंबर बनने और निवेश के लिए लोगों को फोन करते हैं, तो ये खबर आपको देखना बेहद जरूरी है। बता दें कि बरेली के आमला थाना क्षेत्र के गांव भीमपुर चकरपुर में नेटवर्किंग कॉलिंग की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। बता दें कि विपिन सुभाष नाम के व्यक्ति ने नेटवर्किंग कंपनी स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कर ली और उसका एजेंट बन गया। वहीं उसने अपने साथ अपने दोस्त अमित को भी जोड़ने के लिए उसे दिन में 50 बार कॉल किया, जिससे परेशान आकर अमित ने विपिन को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर अमित को गिरफ्तार किया है। थाना आंवला के अंतर्गत एक युवक 18 वर्षीय विपिन पुत्र पप्पू, ये थाना आंवला का निवासी था और ये 5 तारीख को अपने घर से दोस्तों के साथ मिलने को लेकर चला गया था, और इसमें जो जब शाम को वापस नहीं आया तो उनके पिता के द्वारा थाना आंवला पर सूचना दी गई, पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, और उसके बाद जो युवक है लापता युवक है उसको ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा। और जो युवक है, युवक के जो फ़ोन नंबर थे और उसके जो दोस्त जो अंतिम बार उसके साथ देखे गए थे उनको बुलाकर पूछताछ की गई, तो उसमें एक जो उनका मित्र है अमित नाम का जो 20 वर्षीय है, इससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि ये जो लापता युवक है इसने हत्या कर दी है। देश भर में पत्रकारों पर होती अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार, फर्जी मुकदमों के विरोध और हक अधिकारियों की मांग को लेकर एटा के पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जनपद के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। देखिए बलिया, मिर्जापुर और जो देश भर में पत्रकारों के साथ जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, MP में अर्धनग्न पत्रकारों को बंद किया गया था, और भी देश भर में जितना उत्पीड़न हो रहा है पत्रकारों के साथ, इसके विरोध में हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया है, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एटा को, और हमने मांग की है कि ये जो उत्पीड़न हो रहा है इस पर अंकुश लगाया जाए और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को घोषित करके जो 3 स्तंभ हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उनके समान सुविधा सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि हमारी निष्पक्ष और निस्वार्थ पत्रकारिता चलती रहे। सहारनपुर के कुतबेश शहर के ग्राम सबदपुर बतिया के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने बदमाशों की चारों तरफ से घेराबंदी की। वहीं मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी थोड़ी देर पहले थाना कुतुब शहर के सबदलपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश थे, 2 मोटरसाइकिलों से थे, दोनों मोटरसाइकिलों पर 2-2 थे। ये शामली की तरफ से वारदात के फिराक में थे, वहाँ से शामली पुलिस को भी सूचना मिली, तो शामली पुलिस उधर से पीछा कर रही थी, उनकी SOG आ रही थी, और इधर उन्होंने बताया तो यहाँ से कुतुब शेर और गागल रेडी की पुलिस उनके पीछे लगी। सबदलपुर के पास इनकी मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है।
फायरिंग के दौरान दो बदमाश उसमें दो को गोली लगी है, घायल हुए हैं, उनको तत्काल अस्पताल लाया गया इलाज के लिए। एक हमारा सिपाही अभिषेक को भी उसके हाथ में गोली लगी है, वो भी सीरियस है, उसको अस्पताल लाया गया है। जो दोनों घायल बदमाश, उनकी पहचान सातिर बदमाश के रूप में हुई है। एक उसमें शुभम है, इस्माइलपुर कुतुबशेर का रहने वाला, और दूसरा एक बिनीश है, गंगो क्षेत्र का रहने वाला। दोनों ये लगातार लूट की घटनाएँ कर रहे थे। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ थोड़ी बहुत हो पाई, उसमें दो मोटरसाइकिल जो मिली, अभी दो दिन पहले ही इन्होंने छीना था, एक गागलहेड़ी एरिया में, एक कुतुबशेर एरिया में। इनके पास से लैपटॉप, तमाम मोबाइल, तमाम और लूट के सामान मिले हैं। हरदोई में जिला स्तर पर प्रदेश में पहली बार गैंगस्टर सेल का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पूर्वी और पश्चिमी जोन में दो अलग अलग गैंगस्टर प्रकोष्ठ यानी कि गैंगस्टर सेल गठित किए। एसपी ने इन गैंगस्टर सेल में इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक से लेकर सिपाहियों सहित चार पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। गैंगस्टर एक्ट में धारा 14(1) के तहत जो भी गैंगस्टर में एक्ट में जो अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके अवैध धंधों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्तीकरण का प्राविधान है। विगत में गैंगस्टर मुकदमे तो कई कायम हुए हैं, लेकिन 14(1) की कार्रवाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। इसके कारणों का जब पड़ताल किया गया तो ज्ञात हुआ कि गैंगस्टर एक्ट के विवेचक अलग अलग थानों में हैं। वह स्वयं के स्तर से विवेचना भी करते हैं, संपत्तियों का चिन्हीकरण भी करते हैं, फिर उसमें आगे कार्रवाई की जाती है, जिसमें उनके अकेले के द्वारा ऐसा अच्छा उसमें परिणाम देना संभव नहीं हो पाता है। जालौर में गेहूं के खेतों में लगी भयंकर आग लगने से किसानों की 50 बीघा फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ऋषिकेश में स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा कराए जा रहे अमृत महोत्सव में मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए रनिंग विद प्लेस के लिए संस्था को बधाई दी, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है और पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में आज जो स्वास्थ्य दिवस है उसके अनुरूप बहुत कार्यक्रम हमने आयोजन किए हैं। आज मुख्यमंत्री जी हरिद्वार में, हम लोग यहाँ पे हैं, शाम को फिर देहरादून में, हर जिलों में कार्यक्रम है। लेकिन ये स्पेशल ओलंपिक भारत का आयोजन है, जिसमें कि दिव्यांगजन जितने बच्चे हैं इनका एक कार्यक्रम किया गया था और इस संस्था के माध्यम से आज हम यहाँ पे आए हैं। मैं संस्था के जितने भी आयोजक हैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक स्पेशल ओलंपिक भारत का आयोजन किया है, और मैं कह सकता हूं कि इससे जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलने का अवसर मिला। सर, दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम खास में कुछ घोषणा करेंगे आप बच्चों के लिए? देखिए, ये तो संस्था का प्रोग्राम है और उन्होंने हमको बुलाया है, और मुझे लगता है कि कोई भी संस्था अगर अच्छा कार्यक्रम करती है तो निश्चित रूप से हम उसमें जरूर जाते हैं। कन्नौज में ट्रैफिक पुलिसकर्मी कैमरे से लेस बॉडी वॉर्न कैमरों के माध्यम से अवरता करने वाले कैमरे में कैद हो गए। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दरअसल कन्नौज में ट्रैफिक पुलिसकर्मी अब कैमरे के साथ में चालान काटेंगे, जिससे आए दिन होने वाले विवादों से भी निपटारा जल्द मिल जाएगा। सहारनपुर में 3 मार्च को दिनदहाड़े हुई लूट की घटना का थाना सदर बाजार ने खुलासा कर दिया। दरअसल पॉश कॉलोनी अहमदाबाद थाना सदर बाजार में चोरों ने बीते 3 मार्च को दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। देखिए, 4 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी। एक पेंट व्यवसायी हैं सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी, उनके घर पर दिनदहाड़े लूट की घटना हो गई थी, जो बाद में हमें पता चला कि उसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। तो एक्चुअली डकैती की घटना थी, जिसमें हथियार के दम बल पर सीबीआई अधिकारी बनते हुए लोगों ने उनसे इनके 1 लाख रुपए उनसे निकाल लिए थे, और इसके अलावा भी उनके दूसरी लॉकर से कई 1 लाख रुपए और ज्वेलरी और बाकी उनके पर्सनल सामान निकाल लिया था। तो इस घटना का अनावरण करते हुए हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, उनको गोली लगी है। लक्सर में विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर हंगामा किया और विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन भी सौंपा है। समस्या यही है, जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब अनिल कुमार जी ने बताया कि पिछले 6 महीने से लगातार शाम के समय 5-5 घंटे बिजली काटे जा रही है, जिससे अब बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है। वो किस चीज़ से अपनी तैयारी करें? और किसान की मैं बात करूँ तो अब फसल की कटाई चल रही है और गन्ने की बुवाई चल रही है, जिससे लोग बाग इतने ज़्यादा आहार दे कि मैं परेशान हो चुके हैं। और इस परेशानी से निजात पाने के लिए यहाँ आज हम बिजली पावर हाउस लक्सर में पहुँचे हैं। जी, पिछले 6 महीने से ग्रामीण क्षेत्रों की लाइट 4 से 5 घंटे कटी और टाइमिंग है 5 बजे से 10 बजे तक की,
उस टाइम छोटे छोटे से बच्चे पढ़ाई करो और तक खाना बनाओ। 80% किसानों के यहाँ से इन्वेटर नहीं है, वो लोग अंधेरे में कैसे रहेंगे। सरकार ने पहले से मिट्टी तेल बंद कर रखा है, क्या जलाओ, पैसा कहाँ से लाओ। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये होने पर करप्शन काट दो, छप्पे मारे पैसे लगाओ, जैसे ईडी के लग गए हो कही जी, हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, ये कनेक्शन किसी ने वारा सवेरा घेर लिया अपना। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण और अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन पर किया जाएगा और सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से होने के बाद किया जाएगा, किसी भी स्थिति में इसका गलत प्रयोग ना किया जाए। से निर्देश है कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे किया जाए तथा सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद किया जाए। इन चीज़ों के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी सभी जगहों पे बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाना है। बुलडोज़र का इस्तेमाल बेजा कहीं नहीं की जाए, इस संबंध में निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में गलत इस्तेमाल इसका न होने पाए और जितने भी अधिकारी हमारे हैं पुलिस और प्रशासन के, इस चीज़ों को सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी इलीगल गतिविधि या लीगल एक्ट इन चीज़ों के लिए न की जाए, इसी को बार बार बताया जा रहा है। तो सर इसके लिए कुछ फिर से कोई गाइडलाइन जारी होगी? अवश्य जारी होगी, अगर निर्देश मिले हैं इसके बाद में संबंधित विभाग के द्वारा, संबंधित विभागों के द्वारा अपने जितने भी फील्ड के फॉर्मेशन हैं उनको अवगत कराया जाए। आगरा फिरोजाबाद स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 2022 के लिए मतदान हो रहा है। बता दें कि 12 बजे से शुरू मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। पूरे जनपद में 16 बूथ बनाए गए हैं जिनमें से 9 बूथ फिरोजाबाद के हैं। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां एक बदमाश घायल हो गया। बता दें कि नेशनल हाईवे के किनारे बड़हर खुर्द गांव के पास मुठभेड़ हो गई, वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को सीएससी में भर्ती कराया। समल में गंगा में स्नान करते वक्त डूबे बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने 5 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, फिलहाल बच्चों की तलाश जारी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।